निसान मैग्नाइट लॉन्च हो गई है दोस्तों, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ निसान मैग्नाइट की वेरिएंट वाइज प्राइसिंग। बेस प्राइस अभी ही बता देता हूँ आपको, बेस प्राइस है 4.99 लाख, लेकिन कौन से वेरिएंट की क्या प्राइसिंग है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप मैग्नाइट लेना चाहते हो और आपको सर्विस सेंटर से रिलेटेड इश्यू है या फिर कन्फ्यूजन है, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी अभी प्राइस लॉन्च हुई है दोस्तों, मतलब ये गाड़ी लॉन्च हुई है, प्राइसिंग आई है, और मैं तुरंत ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप तक थोड़ा सा लेट पहुंचेगा क्योंकि मैं एडिट करूंगा। और इसी वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस एफर्ट को लाइक ज़रूर कर देना। तो जानते हैं कि निसान मैग्नाइट की प्राइसिंग क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि 4.99 लाख जो है वो स्टार्टिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब बेस प्राइस जो है वो अभी के लिए 4.99 लाख है, लेकिन 5.54 लाख जो है वो बेस प्राइस है निसान मैग्नाइट की आफ्टर 31st दिसंबर। तो ये जो भी प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगा वो 31st दिसंबर के पहले अगर आप गाड़ी बुक कराते हैं तो उसके लिए है ये प्राइसिंग। और ये जो गाड़ी है उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी इंक्रीज होगी आफ्टर 31st दिसंबर, लेकिन जो बेस प्राइस होगी वो है 5.54 लाख, और बाकी की प्राइसिंग 31st के बाद ही पता चलेगी। तो फिलहाल के लिए जो इंट्रोडक्टरी प्राइस आई है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको पता चल ही गया है कि XE वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है उसके लिए 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, उसकी प्राइसिंग है 4.99 लाख। XE के अलावा बाकी के 3 वेरिएंट्स जो है XL, XV और XV प्रीमियम, इन तीनों के अंदर आपको 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल में और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल CVT में, ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं बाकी के तीनों वेरिएंट्स में। तो मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा, जैसे कि XL में तीनों की प्राइसिंग, XV में तीनों की प्राइसिंग और XV प्रीमियम में तीनों की प्राइसिंग। अगर आपको फीचर्स जानने हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में क्लिक करके या फिर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने वेरिएंट वाइज आपको फीचर्स भी बताए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं XL वेरिएंट की, जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है। इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की प्राइसिंग है 5.99 लाख, टर्बो पेट्रोल की प्राइसिंग है 6.99 लाख, और टर्बो पेट्रोल CVT की प्राइसिंग है 7.89 लाख, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही प्राइसिंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों XV वेरिएंट। XV वेरिएंट में भी आपको तीनों ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल की प्राइसिंग है 6.68 लाख, टर्बो पेट्रोल की प्राइसिंग है 7.68 लाख, और टर्बो पेट्रोल CVT की प्राइसिंग है 8.58 लाख। XV की प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। अब XV प्रीमियम जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, माइंड यू टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग हमेशा ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो XV प्रीमियम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में आती है। यूजुअली जो है ये जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है या फिर छोटा इंजन है वो यूजुअली टॉप एंड में नहीं मिलता, मैंने पहले भी बताया था, बट निसान ने इस बार ऐसा कोई नहीं किया है, सिर्फ बेस वेरिएंट को छोड़िए सभी वेरिएंट्स में 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो XV प्रीमियम नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में आती है 7.55 लाख में, अगर टर्बो पेट्रोल की बात करूँ तो वो आता है 8.45 लाख का, और जो टर्बो पेट्रोल CVT है उसकी प्राइसिंग है 9.35 लाख। तो इसका मतलब ये है कि निसान मैग्नाइट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 4.99 लाख से और जाती है 9.35 लाख तक। अब बात करते हैं कि 31st दिसंबर के बाद कितनी प्राइसिंग बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी। तो 4.99 लाख अभी प्राइस है बेस वेरिएंट की, जो कि बढ़ के हो जाएगी 5.54 लाख, जो कि निसान ने बताया है। उसके बाद के वेरिएंट्स की प्राइस अभी नहीं बताई है। तो मेरे हिसाब से जो टॉप एंड वेरिएंट है 9.35 लाख वाला XV प्रीमियम CVT में, उसकी प्राइसिंग हो सकती है अराउंड 9.5 या फिर 9.6 लाख, उससे ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 9.75 से ज़्यादा नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपके लिए अच्छा ऑफर है कि 4.99 लाख स्टार्टिंग प्राइस और बाकी के सारे वेरिएंट्स जो है वो कम प्राइस में मिल रहे हैं अगर आप 31 दिसंबर से पहले गाड़ी को बुक कराते हैं। अब बात करते हैं उस गुड न्यूज़ की कि अगर आप कंफ्यूज हैं निसान की सर्विस क्वालिटी को लेके या फिर सर्विस को लेके या फिर सर्विस नेटवर्क को लेके, तो मैं आपको बताता हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि निसान ने 30 नए सर्विस सेंटर ओपन किए हैं पूरे इंडिया में और 20 नए शोरूम्स ओपन किए हैं। तो इसका मतलब ये तय है कि निसान का फोकस जो है वो इंडिया के लिए थोड़ा सा बढ़ गया है, सर्विस सेंटर की और थोड़ा सा बढ़ गया है। तो सर्विस क्वालिटी में वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा क्विक अपडेट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। सी यू द नेक्स्ट मंथ, थैंक यू सो मच, भारत माता की।